वैकेंसी नहीं निकल रही, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब निकले, कब वैकेंसी निकले, कब अप्लाई करें स्टूडेंट के पर्पज़ से। क्या वो वैकेंसी निकालते हैं, क्या ऐसा करते हैं जो हम लोग भी उनको और सहयोग करें? सहयोग तो हम लोग दोनों को ही कर रहे थे, उनको भी कर रहे थे और इनको भी कर रहे हैं, बस हम लोग देखेंगे कि क्या वो और अच्छा गाइडलाइन करते हैं। साल में गवर्नमेंट चेंज कर ले रहे, खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार बना, खुद ही सीएम बन रहे हैं इस्तीफा दे के, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। हेमंत सोरेन के जगह अब बन गए हैं चंपई सोरेन, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? आप एक छात्र है, क्या सोचती है, क्या होना चाहिए और लग रहा है कि ये कमान संभाल पाएंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि संभाल तो लेंगे ही वो, लेकिन उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के बारे में वो ज़्यादा सोचे, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के हमारे स्टेट में ही, मैं झारखंड रांची से खुद ही बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास नॉलेज है, डिग्री है, बट रोज़गार नहीं है। तो मैं सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट के हित के बारे में थोड़ा सा सोचे। स्टूडेंट के हित के बारे में क्या नहीं हो रहा है, स्टूडेंट के बारे में सबसे ज्यादा हताश आप लोग किस चीज़ से होता है ना, एकदम परेशान? वैकेंसी नहीं निकल रही है मैम, वैकेंसी नहीं निकल रही है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि कब निकले, कब वैकेंसी निकले, कब अप्लाई करे, दिन रात बहुत सारे स्टूडेंट। कई बार ऐसा होता है परीक्षा कल है और आज कैंसिल हो गया, रात में पता चलता है कैंसिल हो गया, एक ऐसा कई बार होता है। तो मैं बस सरकार को बोलूंगी कि थोड़े से रोजगार को उपलब्ध करवाए और झारखंड का अभी तक करें। अभी तक के सेटिस्फाइड है अभी तक के काम से? नो मैम, अभी तो मैं सेटिस्फाइड। तो चंपई सोरेन से कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं? उम्मीद तो है, सरकार से उम्मीद है कि वो कुछ करे और बच्चों के हित के बारे में जरूर से जरूर सोचे। झारखंड में चंपई सोरेन जो है वो सीएम बन चुके हैं और बता दे हैं, 49 वोट जो है पक्ष, 47 वोट पक्ष में पड़े हैं, 29 विपक्ष में, और फाइनली फ्लोर टेस्ट पास हो गए। जनता, युवा क्या सोचती है झारखंड की? मैम क्या सोचते हैं आप, आपका नाम क्या है और आप क्या सोचते हैं चंपई सोरेन के बारे में? मैम मैं ये सोचती हूँ कि पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी बहुत कुछ किए हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि अब वो युवाओं के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे। जो आए हैं हमारे सीएम जो बने हैं, जो दो तीन दिन पहले ही जो ग्रहण किए हैं, शपथ लिए हैं, मैं देखूंगी स्टूडेंट लाइन में क्या वो करते हैं, ऐसा स्टूडेंट के पर्पज़ से क्या वो वैकेंसी निकालते हैं, क्या ऐसा करते हैं जो हम लोग भी उनको और सहयोग करें। सहयोग तो हम लोग दोनों को ही कर रहे थे, उनको भी कर रहे थे और इनको भी कर रहे हैं, बस हम लोग देखेंगे कि क्या वो और अच्छा गाइडलाइन करते हैं जो सोरेन जी किए और ये क्या करेंगे। तो मैं सोरेन जी युवा थे और ये अनुभवी लग रहे हैं, आपको लगता है इनका अनुभव झारखंड को चलाने में काम आएगा? ज्यादा अनुभवी है तो ज्यादा कुछ काम करेंगे, अनुभवी से यही पता चलता है कि उनको ज्यादा नॉलेज होगा तो कुछ और ज्यादा करेंगे, या तो हमारे समाज के लिए, या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अभी तो मोदी जी का भी यही नारा है, चार जातियों को ज्यादा देखना है, महिला को देखना है, कृषि को देखना है, गरीब को देखना है, तो देखते हैं अब ये क्या करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कहीं ना कहीं, देखना तो दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं ये। झारखंड में फिलहाल सियासी भूचाल चल रहा है, पूरा झारखंड पुलिस जो है हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सीएम सोरेन कहीं नहीं मिल रहे और उनको समन भी, अब 10वां समन जारी है। जनता क्या इस बारे में कहती है, आइए सुनते इस पूरे समीकरण पर क्या राय है आपका। देखिए, हेमंत सोरेन जी को मिला है समन, 10वां समन मिला है। मेरा मानना है कि एक आम आदमी को समन मिलता है तो दूसरा समन, तीसरा समन में ही अरेस्ट हो गया रहता है, लेकिन 10वां समन अगर मिला है तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, जाके पेश होना चाहिए, अपना बयान दर्ज करवाना चाहिए, अगर सबूत रहेगा, कोई जान के अरेस्ट तो कर नहीं लेगा, उसके ऊपर कोर्ट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और मेरा मानना है कि उनको 10 समन तक, तो ये लुका छुपी का खेल, ये बार बार मतलब टालना क्यों, क्या मतलब लग रहा है, क्या लग रहा है? इसीलिए अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ रहा है, पहला ही दूसरा समन में अगर पेश हो गए रहते तो इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता। आखिर ईडी अगर समय दे रहा है, वो भी अपना समय निकाल के आपके लिए इंतजार कर रहा है और आप 1 से 10 कर दिए समन। अच्छा, क्या लगता है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है सीएम? राजनीति है, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साल में गवर्नमेंट चेंज कर ले रहे, खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार बना, खुद ही सीएम बन रहे हैं इस्तीफा दे के, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा जगन्नाथ महतो जी थे जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को भी बनाया गया है, तो इमोशनल टच यहाँ पे मिलेगा उनको, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है?